अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ कचौरियाँ, चिकन कचौरियाँ। ये तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदे की डो बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 1.5 प्याली के करीब इसमें ये मैदा ले लिया है, और उसमें ये मैं तकरीबन आधा टीस्पून के करीब इसमें ये मैं चीनी डाल दूँगी, और आधा टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब ये घी डालने लगी हूँ, और घी को पहले मैं इसमें अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। और मैं बताती हूँ कि कितना हमें इसके अंदर घी डालना है कि ये हमारी कचौड़ी जो है वो पस्ता सी लगे। अभी मैं ये देखूँ इसको मुट्ठी में ले रही हूँ तो इसकी मुट्ठी बंद नहीं सही तरह हो रही, इसमें और घी जाएगा। तो मैं आपको इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब इसमें ये घी चला गया, और इसमें इतना हमें घी डालना है कि ये देखें इसको मैं ऐसे बाइंड करूं तो ये अच्छे से मैदा इस तरह बाइंड हो जाए, हमारी मेरी मुट्ठी में ना इस तरह मैदा बाइंड हो जाए। ये देखें अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। ये नॉर्मल पानी है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ये गर्म है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हम आटा गूंथते वैसे इसको मैं गूंथ लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इस आटे को गूंद लिया और इसको ज़रा नरम ही रखा है, सख्त नहीं इसको रखना। और इसको मैं आधे घंटे के लिए ढांप के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें खमीर पैदा हो जाए। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जितनी देर के लिए मैंने कचौड़ी के लिए मैदा रखा हुआ रेस्ट के लिए, उतनी देर तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं कचौड़ी की। तो ये मैंने 2 जवे लहसुन के और छोटा सा एक टुकड़ा, आधे इंच से भी छोटा टुकड़ा होगा अदरक का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको हल्का सा बस सौते करना है, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो तो फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी। और अदरक को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने ज़रा से इसे ऑयल में ऐसे सौते कर लिए। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके रखा हुआ था, ये इसमें चला जाएगा। ये कचौड़ी आप रमज़ान में अपने घर में बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। और आगे भी मैं आपके लिए रमज़ान के लिए बहुत सारी रेसिपीज लेके आऊँगी। तो इसको भी ऐसे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे प्याज को हल्का सा नरम करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे प्याज हल्का सा नरम हो गया तो 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं ये ज़ीरा डाल दूँगी, और 1 टीस्पून इसमें ये मैं गर्म मसाला डाल दूँगी। आधा टीस्पून काली मिर्च चली जाएगी, और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगी। सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये 1 टीस्पून से भी कम थोड़ी सी ये रेड वाली मिर्च है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हल्के ही मसाले डालूंगी, इसको हल्का सा और सौते होने दूंगी। यहाँ पे चिकन मैंने बॉईल कर लिया था, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाला था, और बड़ी इलायची डाली थी, हल्का सा नमक डाला था, और इसको मैंने बॉईल कर लिया और इसको बिल्कुल ऐसे रेशा रेशा कर लिया। ये इसमें चली जाएगी, इसको भी अच्छे से हिला लेती हूँ, इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। एक सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दूँगी, इसको भी ऐसे मैं अच्छे से हिला लूँगी, और 1 से 2 मिनट के बाद मैं चूल्हा को बंद कर दूँगी। ये हमारी स्टफिंग ठंडी होगी तो फिर हम इसको कचौड़ी में भरेंगे। यहाँ पे आटे को रेस्ट के लिए रखे हुए आधा घंटा हो गया, तो अब मैं इसको देखती हूँ अच्छे से, इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह एक दफ़ा फिर इसको गूँध लूँगी और फिर इसके पेड़े बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने किचन काउंटर अच्छे से साफ कर लिया, तो इस आटे के मैं पेड़े बनाती हूँ। तो आप साइज़ अपने मुताबिक बना सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो इसको मैं काटती हूँ, काट के इसके पेड़े बनाती हूँ। इधर मैंने खुश्क का बिल्कुल भी नहीं लेना, मतलब ड्राई आटा इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसके मैं ऐसे पेड़े बना के तो रखती जाऊँगी प्लेट। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए हैं और इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखने लगी हूँ, तो फिर 5 मिनट बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। फिर मैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब घी ले लूँगी, और जितना घी होगा उतना ही इसमें ही मैं मैदा मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, एक पेड़ा लूँगी और उसकी मैं एक रोटी ले लूँगी। तो इसमें आपने बिल्कुल भी ड्राई आटा नहीं लगाना, इसको रोटी के साइज जितना मैं दे लूँगी। मैंने इसकी बारीक से रोटी बेल ली है, और ये जो मैदा और ये घी जो मैंने मिक्स करके रखा था, तो इसे अच्छी तरह मैं इसे हाथों की मदद से फैला दूँगी, इस पर सारे अच्छी तरह फैला देना। ये मैदा और घी अच्छी तरह इसके ऊपर लगा दिया था, तो अब मैं इसको इधर से पकड़ के ऐसे कर दूँगी।
इधर से ऐसे पकड़ के इसको इधर फोल्ड कर लूँगी और इधर से ऐसे कर लूँगी, ये भी इधर से ऐसे कर लूँगी और ये सारे इसी तरह मैं पेड़े बना बना के रखती जाऊँगी। फिर इनको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। फिर मैं पेड़ा उठाऊँगी और इसको इधर इसके साथ मिला लूँगी और ये वाला किनारा इसके ऊपर रख लूँगी, ये वाला इसके ऊपर, चारों कोने आपस में मिलाऊँगी और उसके बाद फिर ये चार बन गए तो फिर इधर से ये वाला उठाऊँगी, इधर से ये वाला और ये, फिर इस तरह चारों मिलाऊँगी। इस तरह मिला के तो इसको मैं बना के इस तरह रखती जाऊँगी, सारे मैं इसी तरह बना लूँगी। फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। स्टफिंग भरते वक्त आपने जो सबसे अहम बात है वो ये याद रखनी कि ये वाला हिस्सा बाहर आए और इस साइड पर हमें स्टफिंग भरनी है, ये वाली जो प्लेन साइड है जहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको थोड़ा सा देख लूँगी, हल्के हाथ से बिल्कुल बस थोड़ी सी इसको ऐसे दे लूँ, बस इतना। ये देखिए मैंने ये वाली साइड इधर बाहर रखी हुई है, ये अंदर वाली साइड है जहाँ मैं स्टफिंग रखने लगी, यहाँ मैं स्टफिंग रख दूँगी इसकी और फिर इनको आपस में मिला दूँगी ऐसे, इधर से इधर से मिला दूँगी, ये इधर से मिला दूँगी, ये इधर से मिला दूँगी और इधर से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे हाथ में अच्छे से घुमा लूँगी। ये कचौरी की शेप आती जा रही, इसको जब ये ऐसे आ जाएगा तो इसको ऐसे हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दूँगी। ये सारी इसी तरह मैं फिल कर करके रखती जा रही हूँ। तो फिर मैं फिर एक पेड़ आपके सामने बना के दिखाती हूँ, ये वाली साइड फिर मैं बाहर रखूँगी, इसको फिर थोड़ा सा बेलूँगी, बस इतना ही इसको बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना। इसको इतना बेल लिया और इसमें ये स्टफिंग डाल दी ये और इनको ऐसे आपस में मिला दी, इस किनारे को इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये चारों किनारे आपस में मिला के तो फिर ऐसे पकड़ के इसको हाथ में ऐसे घुमाते जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से दिखा सकूँ कैमरे की आंख से और अच्छे से समझा सकूँ। इस तरह इसको गोल करके इसको भी दरख देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, तब ये सारी कचौड़ियाँ इसमें डालती जाऊँगी और बार बार इसमें चम्मच नहीं मिलाना। बिल्कुल हल्की आगे से लेकर आग मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल हल्की आग पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं आपको 2 मिनट बाद दिखाऊँ, इनको मैं बिल्कुल हल्की आग के ऊपर यहाँ फ्राई कर रही हूँ और 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक कचौड़ियों का कलर हल्का हल्का ब्राउन आता जा रहा है लेकिन अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मज़ीद, इसको 10 मिनट में बिल्कुल हल्की आग पर फ्राई करती जाऊँगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर कचौड़ियों के ऊपर ब्राउन कलर का आ गया है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कचौड़ियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं, अब इनको मैं बाहर निकालती हूँ तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इससे ज़्यादा इनको कलर नहीं देना। ये मज़ेदार सी कचौड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो गई हैं, आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें, रमज़ान में इसको बनाएँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका या बताने का तरीका पसंद आ रहा होगा। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।